दोस्तों पिछले साल हमने कई सारी एक्शन मूवीज देखी जैसे पठान, जवान और गदर 2। और मैं आपसे कहूं कि इन मूवीज में तो एक्शन कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2024 में बॉलीवुड की तरफ से कुछ ऐसी एक्शन मूवीज रिलीज होने जा रही है जो बॉक्स ऑफिस को तबाह कर देंगी। सो वीडियो काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। नंबर 10 पर आती है बस्तर। और बस्तर बॉलीवुड की तरफ से आने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जो बेस्ड होगी रियल लाइफ इंसिडेंट पर। यहाँ दोस्तों ये मूवी छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद पर आधारित होगी। इसके अलावा इस फिल्म को सुदीप्ता सेन डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भी केरला स्टोरी जैसी कमाल की फिल्म बनाई है और अब ये बस्तर मूवी को तैयार कर रहे हैं। इस फिल्म के मेन लीड रोल में हम सभी को अदा शर्मा देखने को मिलेंगी। बस्तर का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अब देखना यह है कि मूवी कैसी होगी। इसके अलावा इस फिल्म को 15 मार्च 2024 को रिलीज किया जाएगा। सलियों ने बड़ी क्रूरता से मारा था। जय हिंद। इसके बाद नंबर 9 पर आती है योद्धा। और योद्धा बॉलीवुड सिनेमा की तरफ से आने वाली एक बहुत बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसको सागर अम्बरे और पुष्कर ओझा डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जा रहा है। इस फिल्म के मेन लीड रोल में हम सभी को सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना और रिजा पठानी देखने को मिलेंगी। इस फिल्म को 60 करोड़ के बजट में तैयार किया जा रहा है। वहीं इस फिल्म का छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है जो देखने में काफी शानदार लग रहा है। और मैं आपको बता दूं तो इस फिल्म को शेरशाह के मेकर्स तैयार कर रहे हैं। इस फिल्म में हम सभी को एरोप्लेन हाईजैक की कहानी सुनाई जाएगी और दिखाया जाएगा कि एक सोल्जर यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा इस हाईजैक प्लेन को टेररिस्ट से कैसे बचाते हैं। इसके अलावा इस फिल्म को 15 मार्च 2024 को रिलीज किया जाएगा। इसके बाद नंबर 8 पर आती है बेबी जॉन। और बेबी जॉन बॉलीवुड की तरफ से आने वाली एक बहुत बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसको एक कालेश्वरन सर डायरेक्ट कर रहे हैं, जो पहले भी जय भीम जैसी बेहतरीन मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं। इस फिल्म को एटली सर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में जवान जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी को बनाया था। इस फिल्म के मेन लीड रोल में हम सभी को वरुण धवन, कीर्ति सुरेश और जैकी श्रॉफ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये फिल्म रीमेक होने वाली है तमिल फिल्म की जिसका नाम है थेरी। या दोस्तों ये मूवी थेरी फिल्म की रीमेक होने वाली है। इस मूवी का एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है जो देखने में काफी खतरनाक लग रहा है। इसके अलावा इस फिल्म को 31 मई 2024 को रिलीज किया जाएगा। इसके बाद नंबर 6 पर आती है किल। और किल बॉलीवुड की तरफ से आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसको निखिल नागेशर डायरेक्ट कर रहे हैं, जो पहले भी अपूर्वा जैसी कमाल की फिल्म बना चुके हैं। इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म के मेन लीड रोल में हम सभी को लक्ष्य देखने को मिलेंगे, जिनकी ये पहली डेब्यू फिल्म होने वाली है। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड फिल्म होने वाली है और इस मूवी में लक्ष्य एक सोल्जर का रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा इस फिल्म को 5 जुलाई 2024 को रिलीज किया जाएगा। इसके बाद नंबर 5 पर आती है बेदा। और बेदा जॉन अब्राहम की आने वाली हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म होने वाली है जिसको निखिल एडवाणी सर डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म के मेन लीड रोल में हम सभी को जॉन अब्राहम और तमन्ना भाटिया देखने को मिलेंगे। पठान जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद जॉन अब्राहम की ये दूसरी फिल्म होने वाली है। इसके अलावा इस फिल्म को 12 जुलाई 2024 को रिलीज किया जाएगा। इसके बाद नंबर 4 पर आती है देवा। और देवा शाहिद कपूर की आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसको रोशन एंड्रयूस और डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहिद कपूर एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में हम सभी को शाहिद कपूर के साथ पूजा हेगड़े भी दिखाई देंगी। इसके अलावा इस फिल्म को 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया जाएगा। इसके बाद नंबर 7 पर आती है BMCM यानी बड़े मियां छोटी मियां। और बड़े मियां छोटी मियां अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली बहुत बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसको अली अब्बा जफर डायरेक्ट कर रहे हैं, जो पहले भी सुल्तान और टाइगर जिंदा जैसी कमाल की फिल्म बना चुके हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक सोल्जर का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। वही इस फिल्म का विलन का रोल पृथ्वीराज सुकुमारन सर प्ले करेंगे, जो हाल ही में हमको सलार मूवी में दिखाई दिए थे। इस फिल्म का ऑफिशियल टीजर रिलीज हो चुका है जो देखने में काफी कमाल का लग रहा है। इसके अलावा इस फिल्म को 10 अप्रैल 2024 को रिलीज किया जाएगा। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। इसके बाद नंबर 2 पर आती है 13। और 13 जॉन अब्राहम की आने वाली बहुत बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को अरुण गोपालन सर डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ मानुषी चिल्लर का भी मेन लीड रोल होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ये फिल्म रसिया और यूक्रेन के बीच हुई लड़ाई की सत्य घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है। इस फिल्म के ज्यादातर सीन्स ईरान में शूट किए जा रहे हैं। पहले तो इस फिल्म को जनवरी 2024 में रिलीज किया जा रहा था, लेकिन कैनेडी कारणों की वजह से इस फिल्म को डिले कर दिया और अब ये फिल्म 2024 के एंड में रिलीज की जाएगी।
इसके बाद आखिरी और नंबर वन पर आती है बोटू, और बोटू बॉलीवुड सिनेमा की तरफ से आने वाली मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसके पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया था। बोटू में हम सभी को ऋतिक रोशन और जॉनी एंटर देखने को मिलेंगे, और मैं आपको बताऊं तो इस फिल्म में जॉनी एंटर एक विलन का रोल प्ले करेंगे, जो देखने में काफी खतरनाक होने वाला है। ऑडियंस जॉनी एंटर और ऋतिक रोशन को आमने सामने फाइट करते हुए देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस मूवी को एन मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो पहले भी ब्रह्मास्त्र और स्वदेश जैसी कमाल की फिल्म बना चुके हैं, और अभी बोटू को काफी बड़े लेवल पर तैयार कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं तो ये फिल्म बायारा बसवाई यूनिवर्स की 6 फिल्म होने वाली है। इसके अलावा इस फिल्म को 2025 के एंड में रिलीज किया जाएगा। तो भाई लोग, यही थी हमारी टॉप 10 अपकमिंग एक्शन मूवीज, एंड आपको इनमें से कौन सी मूवी का इंतजार है कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।